गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच स्केल. आज हम पीएच स्केल पे बात कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पीएच? पीएच का मीनिंग क्या है? पी स्टैंड करता है पोटेंस को. पोटेंस मीन एक जर्मन वर्ड है. पोटेंस का मीन्स होता है पावर. और पीएच का पूरा जो फुल फॉर्म है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. पीएच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ये पीएच स्केल हमने कहा है. तो इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. एक स्केल है जो किसको मेजर करती है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, एच प्लस आयन को. ठीक, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मैंने बता दिया. इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होती है? पीएच स्केल की जो वैल्यू है फ्रॉम 0 टू 14, 0 से लेकर 14 तक. 0 मतलब वेरी एसिडिक, 0 मींस है वेरी एसिडिक, टू 14 मतलब वेरी एल्कलाइन. अगर किसी का पीएच 14 है तो सबसे ज्यादा एल्कलाइन है. अगर किसी का पीएच 0 है तो मोर एसिडिक है. इफ पीएच इज पीएच वैल्यू इज 0 तो इट्स मीन वो मोर एसिडिक. इफ पीएच वैल्यू इज 14 तो इट्स वेरी एल्कलाइन. तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा बेसिक है. ठीक, तो पीएच एक स्केल होता है. और अगर पीएच न्यूट्रल है तो उसका वैल्यू जो है वो 7 होगा. 7, मैंने न्यूट्रल वैल्यू की बात करी तो 7 पीएच अगर है, वो एग्जिस्ट कर रहा है 7, तो वो न्यूट्रल है. और मोर देन 7 है तो बेसिक है, और लेस देन 7 है तो एसिडिक है. ठीक, मैंने ये बता दिया. अगर 0 और 14 बता दिया मैंने, लोअर लेवल इसका 0 है और हायर लेवल 14 है. 0 वाला वेरी एसिडिक, 14 वाला वेरी एल्कलाइन, और 7 वाला न्यूट्रल. ठीक, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, पीएच इज अ नंबर. पीएच एक नंबर है विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन. जो किसी भी जो सॉल्यूशन है उसके नेचर को एसिडिक और बेसिक का इंडिकेशन जो है वो पीएच से मिलता है. कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, हाउ कैन यू फाइंड? बाय पीएच स्केल. पीएच स्केल से उसको मेजर करके हम बता सकते हैं कि इसका पीएच वैल्यू कितना है, उसके अकॉर्डिंग वो एसिडिक है या बेसिक है. अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर पीएच 7 से ग्रेटर है तो वो बेसिक है, अगर लेस है 7 से तो वो एसिडिक है, और पीएच इक्वल टू 7 तो वो न्यूट्रल है. ठीक, इसी तरीके से हमने एक स्केल टाइप का आपको बताता हुआ दिखाया है. ये H प्लस आयन है हमारा हाइड्रोजन आयन, ये OH माइनस आयन है. अगर H प्लस आयन यहाँ पे शो, ये 0 है, ये 7 है और ये 14 है. तो देखो 0 इधर को है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. अगर ये बीच का जो मिडिल है वो 7 है, इधर 0 है, इधर 7 है, इधर 14 है. अगर 7 से इधर जा रहा है एसिडिक कैरेक्टर, इट्स मीन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. अगर 7 से आगे को जा रहा है 0 की तरफ को, तो इसका मीनिंग यह है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. इट्स मीन वो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है. और इधर 7 से आगे अगर 14 को जा रहा है तो इट्स मीन क्या है, H प्लस आयन तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. तो इट्स मीन बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. अब हमने ये पीएच स्केल जो है एक एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है. इधर देखिए, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 to 14 जो है वो नंबर यहाँ पे शो किए हैं हमने. और इम्पॉर्टेंट कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन जो हैं उनके हमने आपको सॉल्वेंट उनके आपको पीएच बताए हैं. जैसे पीएच जिसका 1 होता है गैस्ट्रिक जूस, जो हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच 1 हम मेजर करते हैं. लेमन जूस जो होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है, इसका पीएच जो है वो 2 होता है. ऐसे ही ये 7 पे हमने आपको दिखाया है प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच लेवल जो है वो 7 होता है. नेक्स्ट जो पीएच लेवल 10 होता है, 10 किसका होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरह का एंटी एसिड्स हैं जो एक्सेस एसिड हमारे स्टमक में बनता है उससे हमें रिलीफ दिलाते हैं, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है. एक तरीके से बेस है 10.
और एक लास्ट जो 14 है, एक और हमने एग्जांपल लिया 14 जिसका पीएच होता है वो NaOH, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वेरी अल्कलाइन है और इसीलिए इसका जो पीएच लेवल है वो 14 होता है। सबसे ज्यादा पीएच लेवल इसी का होता है, NaOH का 14। ये हमने एक स्केल आपको बताया है कि किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं उनका पीएच लेवल किस किस तरीके से होता है। अब बात आती है इम्पोर्टेंसी इन पीएच एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में पीएच की इम्पोर्टेंसी क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे पीएच इन सॉइल, सॉइल का पीएच आप किस तरीके से, कोई भी सॉइल है उसका जो नेचर है, नेचर ऑफ सॉइल इज नोन फर्स्ट बाय टेस्टिंग इट्स पीएच। कोई भी जो सॉइल है उसका अगर आपने नेचर को अननोन करना है, उसको जानना है, तो पहले हमें उसका पीएच टेस्ट करना होगा। आपने देखा होगा कि फार्मर जो है ना वो क्या करते हैं, फार्मर सॉइल में कभी कभी क्या करते हैं, लाइम मिला देते हैं। लाइम, लाइम मतलब चूना। लाइम क्यों मिलाते हैं फार्मर, वो ऐसा है कि पहले उस सॉइल का वो पीएच चेंज करते हैं, क्योंकि जहाँ पे सॉइल ज़्यादा एसिडिक होती है उसको उस एसिडिक प्रॉपर्टी, उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है उसको लेस करने के लिए उसमें लाइम हम ऐड कर देते हैं। लाइम फार्मर इसलिए ऐड कर देता है क्योंकि लाइम जो होता है वो बेस है, और वो सॉइल जो एसिडिक हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें बेस ऐड कर देते हैं। फिर वो सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, और न्यूट्रलाइज सॉइल जो होती है, न्यूट्रल सॉइल जो होती है वो गुड फॉर मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, बहुत सी क्रॉप्स के लिए वो क्या होती है, गुड होती है। इसलिए फार्मर जो होते हैं वो लाइम ऐड करते हैं सॉइल में। दूसरी इंपॉर्टेंसी क्या है, पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी पीएच से रिलेटेड है। देखिए हमारा जो डाइजेशन है, हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं, हमारा जो अंदर स्टमक है वो HCl सिक्रीट करता है। HCl जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को क्या कर देता है, सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। लेकिन जब ये HCl एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है तो हमारा फूड जो होता है फिर वो इंडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके लिए हमको उसका पीएच लेवल जो है वो बढ़ाना पड़ता है। इट्स मीन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम बेस लेते हैं, जैसे एंटी एसिड्स वगैरह होते हैं, जैसे इनो वगैरह लेते हैं, तो उससे क्या होता है वो बेस है, तो वो जो हमारा एक्सेस एसिड्स हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फिर हमें जो है वो एसिड जो पीएच लेवल है वो बढ़ जाता है, मतलब 7 से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो बेस में कन्वर्ट हो जाता है। इट्स मीन वो न्यूट्रलाइज हो जाता है धीरे धीरे पीएच का लेवल, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो फिर हमें रिलीफ मिलता है। पीएच का रोल जो है वो डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा है। थर्ड जो इसकी इंपॉर्टेंसी है, पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डीके। आप देखते हैं कि कई जो भी स्टूडेंट्स हैं और भी कई बड़े लोग हैं, उनके जो दांत हैं वो टीथ हैं वो खराब हो जाते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्योंकि जो भी हम फूड लेते हैं अगर उसकी प्रॉपर हम हाइजीन नहीं करें, उसको हम प्रॉपर मेंटेन ना करें, तो वो एसिड रिलीज करते हैं, तो टूथ जब एसिड रिलीज करते हैं उससे क्या होता है, उससे जब एसिड रिलीज होता है तो वो कैल्शियम फॉस्फेट जिसका इनेमल बना हुआ होता है टीथ में उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो हमारे टीथ जो होते हैं वो स्पॉइल होना शुरू हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं, और टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और जब हम उसका यूज़ करते हैं तो वो एसिड जो हमारे टीथ में बनता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो पीएच का रोल जो है टूथ डीके में भी है। तो यहाँ पर गाइस हमने ये देखा कि पीएच स्केल से हमने आपको समझाया कि किन किन चीज़ों का जो है पीएच लेवल क्या क्या होता है, और उसके बाद हमने इम्पोर्टेंसी बताई आपको पीएच की, कि एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंसी है, पीएच इन सॉइल में उसका यूज़ होता है, उसको सॉइल टेस्टिंग में पीएच का यूज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का यूज़ है, और टूथ डीके बचाने के, टूथ को डीके होने से बचाने के लिए जो है उसमें भी पीएच का रोल है। तो यहाँ पर आज का हमारा जो टॉपिक था पीएच, व्हाट डू यू मीन बाय पीएच, एंड उसका इम्पोर्टेंसी हमारा एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या है, वो आज हमने आपको समझाया है। थैंक यू।